पुराने जमाने का लगता है, कुछ अजीब सा। आपको इसके बारे में कुछ पता है क्या? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कोई खास काम? हमारे गांव की लड़कियां गायब हुई है सियाई साहब, जंगल में गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। उन्हीं की जांच पड़ताल करने के लिए आपको बुलाया है। नागार्जुन सागर एक टूरिज्म प्लेस है, तुम भी जानते हो कि वहां बहुत सारी रहस्यमयी मौत हुई है। उन मर्डर्स के पीछे की मिस्ट्री को जानने के लिए ही गवर्नमेंट ने हमें यहाँ स्पेशल सीबीआई ऑफिसर्स के तौर पर भेजा है। कितने दिन अकेली रहेगी? देख, वो शेनू तो आने वाला है नहीं। ए, चुप कर, सीनू के बारे में बात करने की औकात नहीं है तेरी। जिसने भी तांबे को छुआ है वो मर चुका है, लेकिन उस पागल आदमी को कुछ नहीं हुआ। जब वो इतना छोटा था तब से देख रही हूँ उसे, और अब तो वो इतना बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी हमारी बनती नहीं है। लेकिन मैं उसे जरूर बना लूंगी अपना। मुझे ऐसा लगता है अपने गांव को किसी की नजर लगी है। मुझे रागी रेखो के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए, क्या इसका कोई तोड़ नहीं है स्वामी जी? दूर रहना वरना चीर के रख दूंगी तुम्हें। अगली अमावस्या को बलि चढ़ाने का सारा काम तुम अपने आप ही कर लेना, बाकी का सारा काम मैं कर दूंगा। ए भूपति, तेरा और ये पुजारी का क्या लिंक है? और ये स्वामी कौन है रे? और तुम लोग वो लड़की को क्यों मारना चाहते थे? आखिर ये सब हो क्या रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं बताया तो उड़ा देंगे। कल रोशनी देने वाला सूरज भी डर के बाहर आ जाता है। दुनिया के हर इंसान के बारे में हम बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, इसलिए एक गांव था, उसका नाम नागार्जुन सागर था। दुनिया को खाना देने वाला किसान, बहुत दिनों के बाद जमीन पर हल चलाकर अपनी मेहनत से दुनिया के लिए अपने हिस्से का योगदान देने के लिए हल चलाना शुरू करता है। बैल अचानक से रुक जाते हैं, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन रंगाना की नज़र हल के नीचे अचानक से बाहर आई एक तांबे की थाली जैसी चीज पर पड़ती है। वो हैरानी से उस चीज को देखने लगता है, लेकिन उस चीज का क्या करना है रंगाना को समझ नहीं आ रहा। आसमान से बिजली आकर जमीन को छूती है। दीदी सब ठीक तो है? क्या बताऊं, मैं कल खाना बना रही थी तभी मेरा पति आ गया और पता नहीं किस बात पर मारने लगा। मेरा पति तो बहुत अच्छा है दीदी, मुझे समझकर अपनी माँ को मारा। दीदी अपना दर्द कब खत्म होगा? मेरा पति तो गैस खरीदने से भी मना करता है। दीदी चले क्या? सबका वही हाल है, क्या करें? हाँ दीदी, आज रात को पता नहीं मेरा पति पीकर क्या करने वाला है। कब अकल आएगी बेउड़ा कहीं का, रात भर सोने नहीं देता है। हाँ? ऐसा लग रहा था कोई है हमारे पीछे। हाँ दीदी। हाँ? 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 हाँ?
नमस्ते मुखिया जी। हाँ नमस्ते। 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 नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते। नमस्ते मुखिया जी। सब ठीक है ना? बैठे बैठे आराम से बैठे। क्या राम आया, सब कैसा है? सब बढ़िया है। अरे टिप्पणू, गांव के सीआई को खबर किया क्या? हाँ साहब किया है, बस आते ही होंगे वो। हाँ ठीक है। पुजारी जी क्या बात है? आपने जो बोला वो सही है। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं भूपति जी? मैं बहुत अच्छा हूँ। और आप? मुखिया जी हा? मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। आपने मुझे याद किया, कोई खास काम? हमारे गांव की लड़कियां गायब हुई हैं सीआई साहब, जंगल में गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई, उन्हीं की जांच पड़ताल करने के लिए आपको बुलाया है। आप परेशान मत होइए, आर्थर राजू नाम है मेरा, लड़कियां ही है ना, मैं देख लूंगा, चलता हूँ मैं। हाँ वो देख लेंगे। अरे टिप्पणू जी, वो भगवान के मेले के बारे में बात करनी है तो पुजारी को जरा बुला लो यहाँ पर। अभी बुलाता हूँ। पुजारी से ही बात करना सही रहेगा। पुजारी जी, ओ पुजारी जी। ओम भूर्भुवत् स्वाहा। पुजारी जी। सत्तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। क्या बात है टिप्पणू, इधर कैसे आना हुआ? वो मुखिया जी आपको बुला रहे हैं। रुक जाओ, ठीक है टिप्पणू तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। क्या बात है बताओ। पुजारी जी आपके खेत में कुछ तांबे का मिला है। तांबे का? इस पे नाग देवता का बंधन है कुछ अजीब सा, ये आखिर क्या हो सकता है? नाग बंधन जैसा है मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, मुझे कुछ शक हो रहा है। अपने ग्रंथालय में जो उपाध्याय जी है उनके पास चलते हैं। चलो ठीक है पुजारी जी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम आज मुझे थोड़ा काम है, मैं जा सकती हूँ? ठीक है जाओ। क्या बात है, आप यहाँ कैसे? टीचर जी ये चीज रंगाना को मिली है, देखो तो। ये क्या है, दिखाना जरा। ये तो बहुत पुराने जमाने का लगता है, कुछ अजीब सा आपको है। इसके तो। बारे में कुछ पता है क्या? नहीं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है जो भी होगा बताइए, मैं जब आपको बोलूँ तब आ जाना। ठीक है मैडम। ठीक है मैडम चलते हैं। जंगल का कोना कोना छानो, लाश यहीं कहीं हो। हाँ साहब। लाश का मिलना बहुत जरूरी है। साहब वहाँ ढूंढते हैं। चलो देखते हैं। साहब जंगल है, ध्यान से। ये नक्सलाइट एरिया है, जरा संभल के शिवा। जी साहब। शिवा जरा यहाँ देखो, हमें खून दिख रहा है लेकिन लाश का कुछ पता नहीं। मुझे भी वही शक हो रहा है। शिवा वहां देखे क्या? चलो सर। ये लो सर। ए श्रीनु, यहां जो भी हो रहा है उसका कारण तू है ये मैं जानता हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अगर मिल गया तो तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। श्रीनु परेशान ना हो, बैठ जाओ, सोच समझ के वार करेंगे। ठीक है भाई। हीरो हूं मैं, 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 हीरो हूं मैं।
कैसे हुआ इसके बारे में कुछ पता है? नहीं सर। जी नहीं सर। अम्मा तुम्हें पता है? हम नहीं जानते। मेरा क्या होगा? सुबह आओ। जी। कांस्टेबल्स को यहाँ भेजो। जी साहब। हाँ जल्दी करो। भूपति जी आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। बोलिए पुजारी जी। मुझे ऐसा लगता है अपने गांव को किसी की नजर लगी है। देखिए ना आप, कल टीचर जी, आज रेवती, तो फिर कल कौन? ये रोज रोज मौत क्यों हो रही है? मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है।
इस विषय पर मैं आपसे बात करने ही वाला था। मेरे पास इसका एक छोटा सा उपचार है, बताओ आपको। क्या सच में? अगर गांव की भलाई के लिए है तो जरूर बताइए। मेरे जान पहचान के एक स्वामी जी है, बगल के गांव में किसी पूजा के लिए आने वाले हैं। उनसे एक बार मिलके देखते हैं। अरे मिलना नहीं पुजारी जी, उनको एक बार गांव में ही बुला लीजिए। उसके लिए एक मुहूर्त देखता हूँ, रुको जरा। हाँ देखो, अच्छा वाला मुहूर्त। रुकिए, देखता हूँ, रुकिए। अरे टिप्पणू जी बोलिए। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तुम घर जा करके बता देना। ठीक है पुजारी जी। चलो बच गया। कुछ मिला? देखो कुछ भी करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकालो, समझ गए ना? एक सबसे अच्छा मुहूर्त है तब उनको बुलाते हैं। मैंने एक बार मुहूर्त निकाला तो वो सबसे पक्का होगा। नमस्कार साहब। नमस्ते टिप्पणू। हाँ ये कौन है? कोई टीचर है मुखिया जी। जी मेरा नाम वेंकट है और इसका नाम सपना है। हम एक एड्रेस ढूंढ रहे थे और टिप्पणू हमें यहाँ लेकर आया है। ये गांव की नई टीचर है। ओह तो आप हैं? जी हाँ टीचर हूँ। अरे टिप्पणू बोलिए। देखो ये टीचर है, इन्हें जाकर के घर दिखाओ। हाँ दिखाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलिए। जरा जोर से सांस लीजिए। कुछ नहीं, थोड़ा ब्लड प्रेशर है। कोई बात नहीं, मैं ख्याल रखूंगी। ठीक है, दवाई लिख देता हूँ। ये दवाई ले लेना बाहर से। एक इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा। धीरे से लगाना है डॉक्टर। मेरे लगाने से दर्द नहीं होता। बस हो गया, हो गया। हे भगवान, कितना दर्द हुआ। दर्द हो रहा है क्या? ये लो पर्ची। कितने पैसे हुए? 200। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। क्या हुआ बेटा? अलीवेनी की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप जल्दी चलिए। ठीक है चलो, मैं आता हूँ। ठीक है डॉक्टर। अलीवेनी, उस सीनू को भूल जाओ, मेरे देखे हुए लड़के से शादी कर लो। क्या हुआ अम्मा को? पता नहीं डॉक्टर, माँ रात से आंखें नहीं खोल रही है। ये लो ये दवाई, जाकर ले आओ, इन्हें आराम की जरूरत है। और हाँ, ज्यादा सोचने मत देना, चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर। अरे जल्दी कर रहा हूँ।
ये खोद क्यों रहे? ए, लगता है किसी ने देख लिया। चलो भागो, भागो जल्दी करो। रतालू देख के चलो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। रतालू, इन दोनों में से ये वाला केला क्यों है बताओ? Yeah!
इस पागल को। अगर ये तांबे की चीज चाहिए तो शक्तिमान होना पड़ेगा। ओम गणना स्वाहा गणपति कुंभवम अहे कविशबीना समस्तमस्तवम ज्येष्ठरांजम ब्रह्मनम ब्रह्मनापना बादृष्ट्रोवम बोधवे दशादनम। नमस्कार गुरुजी। तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो जाए। बस आपका आशीर्वाद। सिर्फ आप ही हैं जो हमारे गांव को एक मार्ग दिखा सकते हैं। वो शिव है। सब कुछ ठीक होगा। अब मैं जा रहा हूं। चलिए गुरुजी, चलिए। माता जी के मेले में महाचंडी यज्ञ करने के लिए गांव के मुखिया ने नारियल लिया है। अपने गांव की कुंवारी लड़कियां अपने नाम और गोत्र की जानकारी मंदिर में मुखिया के पास जमा करें। और जो महिला इस यज्ञ के लिए नहीं आएगी उसे पंचायत में पेश होना पड़ेगा। I'm gonna get you.
उसने फूल माथा डबर 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 काके हे तो जी, ये देखा आपने? क्या हो गया पुजारी जी? हमने पूजा के लिए गांव में ढंडोरा पीटा है। अच्छा, अपने गांव के भले के लिए एक लड़की की बलि चढ़ानी है। उसके बाद उस पर्ची में अपने काम की लड़की अपनी अलिवनी है, पर्ची में भी उसी का नाम है। हमारी अलिवनी? हाँ जी, पूर्णमी के दिन रेवती नक्षत्र में 12:40 को बहुत ही महत्वपूर्ण समय में जन्म लेने वाली हमारी अलिवनी ही है। तो फिर अब क्या करें? आप ही बताइए भूपति जी। शोभा, मुझ पे हाथ उठाया। स्वामी जी को बुला लूं? अगली अमावस्या को बलि चढ़ाने का सारा काम तुम अपने आप ही कर लेना, बाकी का सारा काम मैं कर दूंगा। ठीक है, चलता हूँ मैं भूपति जी। अब देखना शोभा। स्टीफन, ये सही समय नहीं है, हमें रुकना चाहिए। ओके। आप लोगों के हाथ में ये गन क्यों है? आप लोग बैच को क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे अभी के अभी बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या समझे? जानते नहीं हो तुम लोग मुझे? अभी बहुत बड़ा दादा हूँ मैं यहाँ का। CBI? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सुनिए सर जी, देखिए। ओके, बैठो। ऐसे कैसे फंस गया मैं यहाँ पे? नागार्जुन सागर एक टूरिज्म प्लेस है, तुम भी जानते हो कि वहाँ बहुत सारी रहस्यमयी मौत हुई है। उन मर्डर्स के पीछे की मिस्ट्री को जानने के लिए ही गवर्नमेंट ने हमें यहाँ स्पेशल सीबीआई ऑफिसर्स के तौर पे भेजा है। अगर हम सीबीआई के यूनिफॉर्म में आए तो यहाँ सभी को शक होगा, और ये हम नहीं चाहते। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद इसके पीछे किस किस का हाथ है, हम सब कुछ बहुत जल्द पता लगा लेंगे। इस मामले में मैं आपकी हेल्प करूंगा सर, माँ की कसम। मैं किसी को नहीं बताऊंगा आप लोग सीबीआई वाले हो, बस आप लोग इस गांव का भला कर दीजिए।
मैं जाऊं सर? ये पता है ना क्या है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। ठीक है सर। फाइल दो। चलो चलते हैं। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में।
सब जानते हैं कि उस तांबे की चीज की वजह से गांव में दुर्भाग्य आया है। वो आदमी पागल हो गया क्योंकि उसने वो तांबे की चीज पहन रखी है और वो गांव में घूम रहा है। ये पूरी कहानी है सर। जिसने भी उस तांबे को छुआ है वो मर चुका है, लेकिन उस पागल आदमी को कुछ नहीं हुआ। यही तो बात है सर। अच्छा ये बात है। उस दिन से लोग इस तांबे की चीज के बारे में छोड़कर अपने काम के बारे में सोचने लग गए। राजू, उस पागल आदमी पर अपनी नजर रखना। ठीक है सर। चलो। हेलो सर, कोई एलविनी को उठाकर लेकर जा रहा है। सर उसका पीछा करो। ठीक है सर। छोड़ो मुझे एलविनी, एलविनी छोड़ो मुझे, बोला ना छोड़ो एलविनी। सीनवन्ना, तुम्हारे नक्सली बनने की वजह से भूपति के लोग एलुमिनी को कहीं लेके जा रहे हैं। रावन्ना, हाँ? अब सोचने का समय चला गया, हमें इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। चलो चलो। एक बार नक्शा देख लेते हैं, देखना ही पड़ेगा। इस तरफ चलते हैं। इस तरफ नहीं? हाँ? अच्छा ठीक है, इस तरफ चलते हैं। चलो। ओम भीम पुहा, ओम काली काली शा, ओम भीम पुहा, ओम भीम पुहा, ओम। स्वामी जी, साहब काम के सिलसिले में दूसरे गांव गए थे, वो चाहते हैं कि ये काम आप ही करें। ओम श्री श्री शाह। Oh.
काली ओम भीम काली ओम क्लीम वाहयामी एलविनी कहाँ हो एलविनी क्या हुआ तुम्हें एलविनी एलविनी उठो एलविनी उठो एलविनी चलो एलविनी यहाँ बैठो आओ मारो उसे मारो इसे तुमने सिनन्ना को नहीं छोड़ा तो हम लोग तुम्हें गोली मार देंगे छोड़ो मुझे लाल सलाम 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 रन्ना फायर ए रुको मुझे छोड़ दो मैंने कुछ एलविनी को क्यों मारना चाहते थे बोलो बोलो एलविनी को क्यों मारना चाहते थे बोलो छोड़ दो मुझे एलविनी को दोबारा तंग करने की कोशिश मत करना और उस भूपति को बोलना कि उसकी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है एलविनी एलविनी उठो एलविनी 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 उठो उठो चलो चलते हैं एलविनी एलविनी चलो चलो उठो संभालो तुम आ गए सीनू एलविनी तुम्हें कुछ नहीं हुआ एलविनी चलो अब चलते हैं अरे यार क्या बात है बोलो कोंडाना गला से खबर मिली है इसलिए जा रहे हैं ठीक है तुम जाओ चलो चलते हैं एलविनी यहाँ बैठो जाफर अलर्ट यस सर पुलिस आई चलो यहां से जाफर उस तरफ गौरी चलो ए जल्दी से बॉम्ब फेंको ए
इन सब को मार दो। वो देखो एलोवेनी, मारो भागो, मारो नहीं, गोल टारगेट पर ध्यान दो, मारो नहीं। सर सर सर, क्या हुआ? लोगों ने एलोवेनी को नहीं किडनैप किया। फिर ये लोग कौन है? वो तो भूपति के लोग थे। तुम यहाँ रहो और मुझे यहाँ की जानकारी देते रहना। गौरी चलो। ठीक है सर। एलोवेनी, एलोवेनी, ए वहीं रुको। अरे, ए, अरे रुको यहीं पर। तुम कहाँ भाग रहे हो? भूपति कहाँ है? कहाँ है भूपति? सब कुछ झूठ मत बोलो, बताओ कहाँ है, बताओ कहाँ है भूपति? तुम इस तरह नहीं मानोगे। चलो चलो मेरे साथ। यहाँ तो खून है, इतना खून। मुझे पता है इस शहर में कुछ गड़बड़ चल रही है। कभी नहीं डरने वाला भूपति अब हमें देखकर क्यों डर रहा है? उस पुजारी और भूपति का लिंक क्या है? असल में उस लड़की को क्यों मारना चाहते हैं? पता नहीं, मुझे डाउट है कि कहीं कुछ चल रहा है। अर्जुन, तुम्हारा क्या कहना है इस मामले में? वैसे ये देखकर तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब हम खून देखते हैं तो ये नहीं देखते कि खून कहां से आ रहा है। दोनों की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, एक भूपति और टिपड़ू। तुम्हें क्या लगता है? उस खून के बारे में नहीं, मर्डर के बारे में सोचना है। और ये मत भूलो कि तुम पहले एक सीबीआई ऑफिसर हो, समझ गए ना? हमने उन्हें तो पकड़ लिया है, लेकिन वो जो डेड बॉडी मिसिंग है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। मुझे नहीं लगता इनके पास कोई ठोस आधार भी है। अगर हम अपने स्टाइल में इंटरोगेशन करेंगे तो ये सब कुछ बता देंगे। क्या कहती हो गौरी? अरे ये लोग सीबीआई वाले हैं या फिर डाकू? ए रेडर, डोंट शाउट। अर्जुन, इसे अंदर ले जाओ और बांध दो। ओके सर। इज्जत से पूछे गए सवालों का जवाब दे दो, वरना तुम्हें पता है ना कि मेरा स्टाइल क्या है।
अगर मैं अपने पे आऊं तो बहुत बुरा होगा। ए भूपति, तेरा और ये पुजारी का क्या लिंक है? और ये स्वामी कौन है रे? और तुम लोग वो लड़की को क्यों मारना चाहते थे? आखिर ये सब हो क्या रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज तो इसका पता लगाना ही होगा। क्यों गौरी? नहीं बताया तो उड़ा देंगे। अब मुझे अपने स्टाइल से पूछताछ करनी होगी। तुम लोगों को बहुत से मौके दे दिए मैंने। अर्जुन, अरे मुझे कुछ नहीं पता सर। अरे सर छोड़ो, मुझे मत मारो। ज्यादा क्या किया हमने? अरे मैं तो बहुत मार खाएगा। अरे छोड़िए, अरे बोल जल्दी, छोड़िए मुझे सर। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं बोलेगा सर। नहीं बोलेगा, छोड़िए, अरे छोड़िए मुझे सर। मैं इज्जतदार इंसान हूं सर, मुझे छोड़िए। नहीं किया बोल सर। अरे यार बहुत दुख रहा है। हे भगवान। अरे सॉरी सीनू, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो? इतने दिनों से मुझे इसी दिन का तो इंतजार था। कुछ जिंदगियां बस ऐसे ही। क्या हुआ? हमारा भी बड़ा खानदान था, मेरे पिताजी बड़े गोस्वामी, जो भी पैसा था गरीबों का कर्ज चुकाने के लिए बांट दिया, और ये बात गांव के मुखिया को सहन नहीं हुई, और इसलिए उस मुखिया ने मेरे पिताजी को सड़क पर ही मार डाला और मैं तुम लोगों को मिली। मेरी कहानी भी कुछ बिल्कुल आप ही की तरह है। मेरी जमीन पर डोरा ने कब्जा कर लिया था, इसके बारे में मैंने मोर जी से पूछा और उसने भी मुझसे कहा कि ये जमीन पहले से डोरा के नाम पर ही है। डोरा ने हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दी और हमें पकड़ा दिया। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है। मैंने पढ़ाई की, नौकरी नहीं मिली तो दल में शामिल हो गया। लाल सलाम। लाल सलाम। तुमने अपने बारे में नहीं बताया। अरे ये तो भूल गया।
मत लगा, इज्जत से बात कर। ए, मेरे बारे में मालूम है ना, 4-5 केस डाल के अंदर कर दूंगा, समझा? फिर पूरी जिंदगी बैठा रहना जेल में। सीनू, इससे बात करना बेकार है, चल यहाँ से। फिर से मिलेंगे। चलो ड्राइवर। भाई भाई, क्या बात है राजू, क्या हुआ? अरे वो सीनू सरदर्द बन गया है, एलविनी के बारे में हर बात में उंगली करता है, उसको सबक सिखाना पड़ेगा, इस बार बचेगा नहीं वो मेरे हाथ से। अरे तुम लोगों को मालूम है ना एलविनी को मैं पसंद करता हूँ, एलविनी को उसमें पता नहीं क्या दिखता है, उसमें आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है, कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। अरे जल्दबाजी अच्छी नहीं, कुछ तो करेंगे। अरे चल पीते हैं। ए मूड नहीं है रे। अरे कुछ नहीं होता, चल। ए श्रीनु, कहाँ था यार, ना घर पे ना शॉप पे? कुछ नहीं रे, वो सीआई की वजह से ना। अरे तुझे एक बात बतानी है। क्या बोल? आज मेरा जन्मदिन है। आज तेरे जन्मदिन है? अरे गले मिल यार, क्या बात है भाई, पार्टी तो दे। चल फिर चले। चल फिर। ए वेटर इधर आ। अरे तो सीनू है। अरे भाई बियर तो पिला। फुल पार्टी करेंगे। लगता है ये पार्टी करने आए हैं। अरे भाई ज्यादा हो गया रे। एलविनी 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 राजू की होने वाली महारानी, एलविनी 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 राजू की होने वाली महारानी। ए, राजू एलिविनी के बारे में बात की ना तो अच्छा नहीं होगा, भागो यहाँ से। लगता है ज्यादा पी लिया, शेर बन रहा है। एलिविनी 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 राजू की होने वाली महारानी, एलिविनी 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 राजू की होने वाली महारानी। नाम क्यों ले रहा है बे? ज्यादा चढ़ गई है क्या? ब्रांडी पी है चढ़ी नहीं, क्वार्टर पिया तब भी नहीं चढ़ा, हाफ पी लिया तब भी नहीं चढ़ा, इसलिए फुल पी लिया, अब तुझे फो फो फोड़ दूंगा, समझ गया? अरे भाइयों मारो साले को, हिम्मत कैसे हुई है? साले मुझे मार, ये ले ये ले ये ले ये ले। हेलो पुलिस स्टेशन। एलिवरी का नाम लेगा? हाँ एलिवरी का नाम लेगा तू? ये ले साले, ये ले हट हट, एलिवरी का नाम लेगा? ये ले जब मना किया था ना, हाँ एलिवरी का नाम लेगा तू? ये मारेगा, ये ले एलवनी मेरी है। तेरी मुझे एलवनी मेरी है।
ये ले। छोड़ो तो नहीं तुझे। चल नहीं चढ़ गई है। बहुत बोलेगा। ये ले। ये ले। ये ले। टांग तोड़ता हूँ। छोड़ूंगा नहीं। मार दूंगा। रुक। सॉरी। उठ, ताकत दिखा रहा। टांग चलाएगा। पकड़ के। तुझे ये ले। मार खा और मार खा। हट। तुझे ये साले। उठ। मुझे मारेगा। सीनू, ये सब क्या हो रहा है? तुम ऐसे मारपीट क्यों कर रहे हो? तुम लोग जिंदगी में कुछ अच्छे काम भी तो कर सकते हो। चलो जाओ यहाँ से। एलोवेनी बिल्कुल सही बोल रही है, समझ गए ना तुम लोग? चलो, गुंडों की तरह लड़ते रहते हो। चलो। हाँ यार, चलो चलो, चलते हैं। अरे सीनू, अम्मा कैसी है? अरे सीनू। हाँ माँ। वो देख, पौधे सूख रहे हैं। जितना प्यार तू उससे करता है ना, उतना ही प्यार इनसे भी कर। ठीक है माँ। शोभा, क्या तुम्हें लगता है ये सही तरीका है? तुम्हारा बेटा गांव में आवारागर्दी कर रहा है, मेरी बेटी का पीछा कर रहा है, तुम्हें लगता है ये सही है? अपनी बकवास बंद करो। मेरे बेटे ने क्या किया है? जरा अपनी बेटी को देख, वही मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। पूरा गाँव जानता है तुम्हारा बेटा कैसा है। बस करो, भले ही हम गरीब हैं, लेकिन ऐसे घटिया लोग नहीं है। अपने दिमाग से ये बात निकाल। क्या लगता है हम ऐसे घटिया विचार करते हैं? आइंदा से तेरा बेटा मेरे घर के यहाँ दिखना नहीं चाहिए। मेरे बेटे को कैसे मुझे समझाना है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकती हो। चलो चलते हैं। ये भी लड़की हमेशा से उसके पीछे पड़ी रहती है। माँ, हाथ छोड़ो ना, दर्द हो रहा है मुझे। माँ, माँ। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दीदी, सब लोग पानी में फूल क्यों छोड़ रहे हैं? ऐसा माना जाता है कि अगर पानी में फूल डालो तो सारी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए सभी लोग यहाँ पानी में फूल डालने आते हैं। मैं जानती हूँ दीदी, उस सीनू के बारे में है ना? चुप कर पगली।
संस्कारी व्यक्ति, तुम जैसे लोगों के लिए मंदिर में कोई प्रवेश नहीं है, निकल जाओ। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं पंडित जी, भगवान के सामने तो सब बराबर हैं। सब भगवान की इच्छा है। हाँ, दीदी मेरे गले का हार कहाँ गया, कहाँ है, कहाँ गिरा दिया? क्या तुम्हारा हार खो गया है? अगर आज हुआ है तो उसकी वजह सीनू ही है। रुको, मैं पुलिस कंप्लेन करता हूँ। तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं, मेरे साथ चलते। दीदी तेजी से दौड़ो। छोड़ दो साहब, पीछे छोड़ दो। एलवेनी, 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 सीनू, दीदी चलो घर चलते हैं। चलो दीदी, चलो दीदी, चलो ना। मिल गया आखिरकार। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मैंने अब तुझे पकड़ लिया है सिरेनो। वो हार जो मंदिर में चोरी हुआ है, उसे कहाँ छुपाया है? मैंने नहीं चुराया साहब, मैंने नहीं चुराया। मुझे पता है तेरे मुंह से सच कैसे उगलवाना है। ए, इधर आ। सर, बताओ। साहब बताया गया नहीं? बोल साहब, मुझे नहीं पता। हार छुपाया है साहब, मैं चोर नहीं हूँ। क्या बोलेगा? कुछ नहीं पता। नहीं बताएगा? सच कहता हूँ। अरे मुझे दीदी को ये पता ना होगा। मुझे पता कहाँ छुपाया है? मुझे बताएगा नहीं साहब, मारता रहूँगा। मुझे नहीं पता, प्लीज साहब। क्या बोलेगा ना? ये मुझे मत मारो साहब। दीदी, पुलिस सीनू को बहुत मार रहे हैं, बुरी तरह से मार रहे हैं। जल्दी चलो दीदी। तू आसानी से नहीं बोलने वाला साहब। मैंने कुछ नहीं किया। बचा, बचा। कुछ नहीं किया। कहाँ छुपाया है? साहब, बोल। मुझे छोड़ दो। बोल। साहब, मैं चोर नहीं हूँ। साहब, बोल। कहाँ है यार? बोल। साहब, सीनू। बता। साहब, बता। हार कहाँ छुपाया है? बता। बता। बोल। साहब, साहब, साहब। मैं तुमसे कितना मार, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। चलो, चलो घर। साहब, साहब, बोल। बोल। साहब, जब तक नहीं बताएगा मारता रहूंगा। बोल। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज छोड़ दो। बता। साहब, सीनू, बता। मैंने चोरी नहीं की माँ, मैं सच कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। बोल। सर, सर, बात चल भी चाहिए ना। मेरा बेटा बेकसूर है, उसे छोड़ दीजिए सर। छोड़ दूँ उसे? उसने कुछ नहीं किया सर, वो अच्छा इंसान है। छोड़ने पे मुझे क्या मिलेगा? मेरी बात मानिए सर, उसने सच में कुछ नहीं किया है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। और कहाँ है? बोल। तुम तो हो ना, हाँ? मुझे देखने दो। मैंने कुछ नहीं किया। तुम दिखाओगी या गिनती स्टार्ट करूं? बोल। मैंने कुछ नहीं किया। तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। जेदवान, सर, छोड़ दे उसे। सीनू, पुलिस से इतना पीटने के बाद भी अकल नहीं आई? बेवकूफ कहीं का फिर से मुंह उठा के चला आया। तुझे क्या मेरा ही घर दिखता है? बार बार चला आता है। और ये दूसरी, इसको भी अकल नहीं है। चल अंदर, उसे तो मैं आज सबक सिखा कर रहा हूँ। चल, माँ छोड़ दो मुझे। माँ छोड़ दो ना। माँ प्लीज जाने दो ना। हाँ,
मुझे गेस्ट हाउस में करना था और तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो। काम है, वहीं जा रहा हूँ सर। एक छोटा सा काम है, करेगा? बोलिए सर। ये क्या? 10,000 रख। ये किस लिए सर? शाम को एल्विनी को गेस्ट हाउस में भेज देना। एल्विनी को क्यों सर? मेरे बारे में जानता है ना? हाँ? चल ड्राइवर। जी। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है सर। वो सीनू के अल्विनी को गेस्ट हाउस पर भेजेगा? अगर नहीं भेजा तो उसे केस में फंसा देंगे। अल्विनी। सीनू। अल्विनी। क्या बात है सीनू? अल्विनी, ये पैसे सीआई ने तुझे गेस्ट हाउस पर भेजने के लिए 10,000 रुपए दिए। ये सुधरेगा नहीं।
तो फिर अब क्या करेंगे? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो क्या मैं चली जाऊं? क्या? वैसे भी वो मुझे छोड़ेगा नहीं, इन पैसों को लेकर भाग जाएं क्या? हाँ ठीक है। ठीक है तो चलो मेरे साथ। पर माँ। डरो मत, तूने कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। ठीक है चल। हमारे शहर का सीनू अलवेनी को भगा ले गया, उसके लिए कल ही पंचायत है। सीनू कहाँ है? हमें नहीं पता सर, बिल्कुल नहीं पता। नहीं नहीं पता? पता नहीं सर, पता नहीं। अगर दिखाई दे तो मुझे बताना, समझ गए ना? ठीक है सर। जी सर, जी सर। ओके सर, जाओ निकलो यहाँ से। जैसे ही वो दिखे मुझे इन्फॉर्म करना। हाँ समझ गए ना? ठीक है सर, जाओ यहाँ से। देखो ना भाभी, अपमान नहीं सह पाई इसलिए आत्महत्या कर ली। अरे सीनू, अरे कोई बात नहीं रे, अरे आराम से सीनू, 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 संभाल अपने आप को रे, सीनू, सीनू। स-
सीनू बाबू तुमसे एक बात कहनी है। जब तुम अलवेनी को भगा कर लेकर गए ना, तब वो भूपति ने अपने आदमियों के साथ मिलकर पूरी पंचायत के लोगों के सामने तुम्हारी माँ पे मूंद दिया। बेइज्जती को सहन नहीं कर पाई और तुम्हारी माँ ने आत्महत्या कर ली। उस वक्त भूपति से लड़ने के लिए मुझे ताकत चाहिए थी और तभी मुझे आप सब लोग मिल गए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे कभी छोड़कर मत जाना सीनू। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे नहीं पता, सभी छोड़ दीजिए सर। बोलने के लिए बोला ना, छोड़ दो मुझे। ए बोल, बोल स्टीफन। हाँ सर। मुझे उस पागल पर शक है, जाओ और उसे लेकर आओ। यस सर। व्हाट एक्टिंग। इसको ऐसे नहीं, सही तरीके से डील करना है। बताओ तुम्हीं ने वो मर्डर्स किए ना? चुप, सच बताओ वरना गोलियां भेजे में उतार दूंगी, समझे? कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैं, कुछ नहीं जानता मैं, कुछ नहीं जानता मैंने, कुछ नहीं किया भगवान कसम मैंने, कुछ नहीं किया। तू ऐसे नहीं बोलेगा, चल। मैं बच गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं हो सकता ये। ये क्या? ये मुझे दो। लेकर जाओ जाओ। ये सिर्फ मेरे जैसे लोग ही पहन सकते हैं, तू पहनेगा ना मर जाएगा किसी दिन। सिर्फ मैं ही हूँ जो जिंदा हूँ आज तक, तू नहीं जिंदा रहेगा। मेरा खून बहुत ताकतवर है, हर किसी की किस्मत मेरी तरह नहीं होती, तू मरेगा, जा यहाँ से। मुझे रागी रेखू मिल गया, आज मेरी किस्मत बदल जाएगी, आज कुछ अच्छा होगा मेरे साथ। मुझे रागी रेखू के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए, क्या इसका कोई तोड़ नहीं है स्वामी जी? हीम, धीम, मम्मी ये क्या हो रहा है? डर लग रहा है। स्वाहा, स्वाहा, ओम हीम धीम, हीम धीम। मम्मी ये सब क्या हो रहा है? हेम हेम स्वाहा, हाँ, हेम हेम स्वाहा।
ऐसे अनेक तरीकों से पूजा करने से रागी रेकू को इस ब्रह्मांड से शक्तियां मिल जाएंगी, ये इनका भरोसा है। वो शक्तियां जब इस रागी रेकू को मिलेंगी, राहु और केतु ग्रह में जन्म लिए लड़के का खून और सर्प दोष में होने वाली लड़की का खून राव अमावस्या को रात को 12:40 पे उस रागु रेकू पर गिरना चाहिए। उनकी बलि भी रागु रेकू को चढ़ानी पड़ेगी। ऐसा करने पर वो लोग मरने के बाद तुरंत जिंदा हो जाएंगे और वो अमर होकर जिएंगे, ऐसा उनका मानना है। इस वजह से वो लोग खून के लिए राक्षस बन चुके थे और लोगों को मार रहे थे। क्या इसका कोई तोड़ नहीं है स्वामी जी? मुझे रागी रेकू के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत सालों के बाद उस राहु केतु में जन्म लेने वाले लड़के के खून से उस रागु रेतु का अभिषेक हुआ है। जाओ और जीत तुम्हारी होगी। हर हर महादेव। मुझे आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। विजयी बाबा। कम ऑन गौरी। जाफर सर, उस लड़के का क्या हुआ होगा? क्या पता सर, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा। गांव में लोग भी नहीं दिख रहे सर। सर गौरी अलर्ट, सब लोग तैयार रहो। जाफर ये लो। सीनू सर संभल कर। अटैक। पूरा गांव शमशान बन रहा है। सीनू एलन,
हाँ रुको आ रहा हूँ। अब क्या करेंगे? इन्हें दूर करो।
ये क्या है मछली के पेट में? इधर कैसे आया? ये तांबे का लग रहा है, इसमें सांप भी है, क्या हो सकता है? अरे ओ, मच्छी काटते समय उसके पेट से तांबे का कुछ निकला है। आ!